आज हम बनाएंगे छोटे बैगन की टेस्टी मसालेदार ढाबा स्टाइल सब्जी। तो आइए हम इसे जल्दी से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा किलो छोटे वाले बैगन ले लिए हैं और बैगन को पहले हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे और आप इसे चेक कर लीजिएगा कि अंदर कोई कीड़े या ना हो। तो बस अब इसी तरह से सारे बैगन को कट कर लेना है। उसके बाद हम ले लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे सारे बैगन को। तो बस इसी तरह से हमें सारे बैगन को इसमें डाल देना है। उसके बाद हम बैगन को अच्छे से इसे पका लेंगे। हमें बैगन को 80% तक पका लेना है, जब तक बैगन का कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे सारे बैगन पक चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो सारे बैगन को निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा और ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 तेज़पत्ते। यहाँ पे हमें छोटे वाले तेज़पत्ते ले लिए हैं और 1 टुकड़ा हम डाल देंगे दालचीनी का और 4 से 5 हम डाल देंगे काली मिर्च। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और इसे 1 से 2 सेकंड के लिए हमें भून लेना है। तो बस इसी तरह से हम भून लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी और प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया था। तो इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज का यहाँ पे कच्चापन निकल गया है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे 3 टमाटर को हमने अच्छे से पीस लिया था, वो भी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे सारे मसाले। यहाँ पे हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे हम जीरा पाउडर और थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला और साथ में 1 चम्मच हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस इसी तरह से हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी एकदम टेस्टी और लाजवाब लगेगी। और दोस्तों, ये रेसिपी आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, एकदम टेस्टी और लाजवाब लगती है। जो भी बैगन खाना पसंद नहीं करते हैं ना, वो भी खाना इसे पसंद करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के रख देना है। तो 5 मिनट के बाद देखिए हमारा ऑयल ऊपर ऊपर से दिख रहा है। तब हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और पानी डालने के बाद हम फिर से इसे मिक्स कर लेना है। तो बस इसी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे फिर से 10 मिनट के लिए हमें इसे ढक के रख देना है लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट के बाद देखिए हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मूँगफली का पाउडर। तो मूँगफली का पाउडर डालने से ग्रेवी में बहुत अच्छा और यम्मी टेस्ट आता है। तो इसे भी डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे बैगन और बैगन को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसे फिर से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे और आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिए। तो ये देखिए, बस हमें इसे फिर से चेक करके इसे फिर से हम ढक के रख देंगे। तो फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे ग्रेवी वाले छोटे बैगन कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं। हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप एक बार इसे बैगन को चेक कर लीजिएगा कि बैगन अच्छे से पक चुके हैं या नहीं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे बैगन अच्छे से पक चुके हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी कितनी देखने में भी यम्मी लग रही है। तो देखते ही मुँह में आ जाता है ना पानी। तो अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में हम डालेंगे हरा धनिया और इसे 1 मिनट के लिए फिर से हम इसे ढक के रख देंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं सब्जी को। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी और यम्मी लग रही है हमारे छोटे बैगन की सब्ज़ी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। सच कहती हूँ दोस्तों, अगर आपके घर में जो भी बैगन नहीं खाते होंगे ना, वो भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।